सरों का टिकट देगी, सरों का टिकट नहीं है, छागल का भी टिकट है। ओ छागल तीन तो तीन जगह बनाया है छागल का भी। तस्वीरों में दिख रही ये अधेड़ उम्र की महिला आपको चौंका देगी। इन्होंने जो काम किया है वो आपको हैरान कर देगा। ये महिला लाखों पढ़े लिखे लोगों के लिए एक सबक है। हम कुछ बताएं उससे पहले यहाँ जो बातचीत हो रही है उसको आप गौर से सुनिए। तो सुना आपने, इस बुजुर्ग महिला ने न सिर्फ अपना बल्कि अपने साथ चल रही बकरी के लिए भी टिकट खरीदा था। टीटी साहब भी ये सुनकर और देखकर दंग रह गए। उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि आप बकरी का भी टिकट लेकर चली हैं? इस दौरान महिला के चेहरे की मुस्कुराहट ने सारा जवाब दे दिया। वहीं बकरी का टिकट देखते ही महिला की ईमानदारी पर टीटी की भी हंसी छूट गई। अपने साथ चल रही बकरी का टिकट लेकर इस महिला ने इस देश के लाखों पढ़े लिखे लोगों को चिढ़ा दिया है। मानो कह रही हो, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किस काम की? आपको ये आंकड़े चौंकाएंगे कि देश में हर साल लाखों लोग बिना सफर टिकट करते हैं। चलिए ग्राफिक के जरिए आपको ये आंकड़े बताते हैं। रेलवे ने 2022 से 2023 में 3.6 करोड़ यात्रियों को गलत टिकट या बिना टिकट के यात्रा करते हुए पकड़ा है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 1 करोड़ अधिक है। इससे पहले 2019 से 2020 में 1.10 करोड़ लोग बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए थे। 2020 से 2021 में जिस साल कोरोना महामारी फैली, ये आंकड़ा 32.56 लाख था। 2021 से 2022 में ये तादाद बढ़कर 2.7 करोड़ और 2022 से 2023 में 3.6 करोड़ हो गई। बेटिकट यात्रा करना एक आदत है, ये एक दंभ है, एक अकड़ है जो इस विचार पर आधारित है कि मैं टिकट खरीद कर यात्रा नहीं करूंगा। लेकिन इस बुजुर्ग महिला ने जो किया है वो इन लोगों को जरूर देखना चाहिए। शायद इन्हें ये वीडियो देखकर शर्म आ जाए या फिर देश के प्रति जिम्मेदारी का एहसास हो जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।